कारागार अयोध्या में बंदियों ने जमकर बवाल किया। निगरानी में सहयोग करने वाले बंदियों को दौड़ाकर पीटा और जेल कर्मियों से हाथापाई भी की। मारपीट में 8 बंदी घायल हो गए। स्थिति गंभीर देख जेल अधिकारियों ने जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। वहीं प्रथम दृष्टया सामने आया कि विवाद की जड़ में शामिल बंदियों की गतिविधियां पहले से संदिग्ध थीं, जिनकी निगरानी बढ़ा दी गई थी। असहजता महसूस कर रहे बंदियों ने दबाव बनाने के लिए बवाल किया। बंदियों की तरफ से पथराव की भी सूचना मिली। हालात काबू में करने के लिए जेल परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सर्किल में बंदियों की स्थिति का पता लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। वहीं DIG जेल श्री परड़ा गांगुली ने जेल का जायजा किया। DM डॉक्टर अनिल कुमार व SSP चोगिंद कुमार ने कई चरणों में बंदियों से वार्ता की, लेकिन फोर्स देखकर बंदी भड़क गए। रसोई से गैस निकालकर विस्फोट करने की धमकी भी देने लगे। 6 घंटे तक पूरा हंगामा चलता रहा। बंदियों ने सर्किल का गेट अंदर से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 2 सिपाही व घायल बंदी उनके चंगुल में फंसे रहे। मामला शांत होने के बाद आरक्षियों को मुक्त कराकर घायल बंदियों को जिला अस्पताल में भेजा गया। बवाल की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई। जिले से ट्रांसफर होकर आए एक बंदी से शुक्रवार को विवाद हो गया। शनिवार की सुबह में स्थिति बेकाबू हो गई। इसमें खाने का उसका समय हो गया था, पाकशाला में आ गए, तो उसको देखते हुए चूँकि यहाँ पर जो फोर्स होती है वो अपने एक सीमित फोर्स होती है, उसी ऑपरेशन को देखते हुए इन लोगों ने यहाँ पर हम लोग जैसे खबर मिली तो हम और कप्तान साहब और सारे ADM सिटी और SP सिटी और सारी फोर्स वगैरह यहाँ आ गई है। अभी ये लोगों ने अपने ग्रीवांस के लिए कहा गया है कि आपकी क्या समस्या है, ये डर रहे हैं कि कहीं इनके ऊपर बल प्रयोग ना हो, इसलिए वो लोग अंदर इकट्ठा है एक जगह। लेकिन इन लोगों से कहा कोई डरने की बात नहीं, आपकी जो समस्या हो जो दिक्कतें हों आप उसको बता दी। इनका एक प्रतिनिधिमंडल अभी आया था तो हम लोगों ने कहा कि आप इसको सीरियलाइज ले और जो आपके अधिकृत व्यक्ति आप जिसको अधिकृत कर रहे हो अपने ग्रुप से वो आकर के वार्ता कर लेंगे। तो अभी ये लोग आ रहे हैं अंदर से, 2-3 बार वार्ता हो चुकी है और अभी आ रहे हैं, तो शायद कुछ ही मिनट में शॉर्ट आउट हो जाएगा। कैमरे की आवश्यकता क्यों पड़ गई इन पर? नहीं, अभी फिलहाल हमने ड्रोन कैमरे का कोई इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है। ड्रोन कैमरा हम लोग प्रिकॉशन में रखते हैं। देखिए, हमारा काम है बातचीत करना, लेकिन हम हर चीज के लिए तैयारी तो रखते ही हैं। सूचना ये है अंदर गैस सिलेंडर रख के ब्लास्ट की धमकी दी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। गैस सिलेंडर चूंकि अब आपको बताया ना कि किचन है और खाने का वक्त था, तो खाने के लिए तो वहाँ गैस सिलेंडर है, लेकिन ऐसी कोई उन लोगों की ओर से भी कोई बात नहीं है। वो भी वार्ता करना चाहते हैं, उनकी ओर से भी 2 बार अपने प्रतिनिधियों को उन्होंने भेज रखा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो भयावह स्थिति हो। घटना शुरू कैसे हुई और घायल कितने हुए? नहीं, घायल एक थे जिनको कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया, हॉस्पिटलाइज है, वो भी सामान्य है, उनके टाके वगैरह लग रहे हैं और होश में है, बातचीत कर रहे हैं। फोर्स के भी घायल हुए जी? कुछ फोर्स के भी घायल हुए हैं? नहीं, फोर्स का कोई भी घायल नहीं हुआ, ना कोई भी सिंगल व्यक्ति, न तो जेल के से संबंधित और न ही हमारे सिविल पुलिस संबंधित, कोई भी घायल नहीं है। एक सूचना और है कि सारी जो कुछ जेल के अंदर हुआ वो सुल्तानपुर जेल से जो है गवर्न किया गया। सॉरी, देखिए अभी ये तो अब बाद में जांच का विषय है। अब इसमें जो ऊपर स्तर से इनके जेल के भी उच्चाधिकारी आ रहे हैं तो जैसा होगा, अभी तो हमारा इमीडिएट है कि लोग अपने नॉर्मल होकर के खाना वाना खा करके अपने अपने बैरकों में जाएं। बाकी अपराधी हैं वो जो सुल्तानपुर से आए हैं? नहीं, मैंने कहा ना ये तो अब जांच की बात है कि कौन इसके पीछे कौन है, वो तो अलग बिंदु है। अभी तो इमीडिएट ये हुआ कि आपस में ही 2 पक्षों में इनका विवाद हुआ था, अब वो बात का जाँच करते हैं।